नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज चक्र में अभिसार शर्मा क्या चुनाव जीतने के लिए और अखिलेश यादव पर हमला करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम लक्ष्मण रेखाओं को पार कर रहे हैं और क्या चुनाव आयोग इसी तरह से खामोश तमाशे को देखता रहेगा कि प्रधानमंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह से एक राजनीतिक दल को आतंकवादियों के साथ जोड़ रहा है भूल जाइए एक राजनीतिक दल को उनके चुनावी सिंबल को और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने मुद्दा उठाया है वो बहुत ही हास्यास्पद है आप जानते हैं कल एक चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तक कह दिया कि अहमदाबाद जो बम धमाके दो में हुए थे अहमदाबाद में ब्लास्ट के लिए साइकिल का इस्तेमाल किया गया और साइकिल समाजवादी पार्टी का चुनावी सिंबल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूल गए कि साइकिल इस देश के मध्यम वर्गीय लोअर मिडिल क्लास गरीब की भी सवारी है दिल में जब इस कदर नफरत होती है ना दोस्तों तो इंसान काफी हद तक अंधा हो जाता है कि देखना भूल जाता है कि एक व्यक्ति पर हमला करने के लिए वह तमाम हदों को पार कर रहा है इसका जवाब क्या दिया अखिलेश यादव ने मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं खेत और किसान को जोड़कर उसकी समृद्धि की नींव रखती है हमारी साइकिल सामाजिक बंधनों को तोड़ बिटिया को स्कूल छोड़ती है हमारी साइकिल महंगाई का उस पर असर नहीं वो सर पर दौड़ती है हमारी साइकिल साइकिल आम जनों का विमान है ग्रामीण भारत का अभिमान है साइकिल का अपमान पूरे देश का अपमान है दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह नहीं भूलना चाहिए कि अब उनका मुकाबला उन लोगों के साथ है जो मीडिया का इस्तेमाल करना जानते हैं जो प्रचार तंत्र का इस्तेमाल करना जानते हैं मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल वो भाषण क्या दिया था और वो भाषण मुझे लगता है बहुत ही शर्मनाक था सुनिए उन्होंने क्या कहा था यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना उनका चुनाव का निशान है ना तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे आप देखिए साइकिल पर बम रखे हुए थे और यही नहीं दोस्तों प्रधानमंत्री का यह भाषण आपने सुना उसके बाद तमाम जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं साइकिल को समाजवादी पार्टी को आतंकवादियों से जोड़ रहा है जैसे कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का यह बयान नव भारत टाइम्स में जो आया है कि गुजरात सीरियल ब्लास्ट के आतंकवादियों के परिवार का संबंध समाजवादी पार्टी से है उन्नाव में योगी का समाजवादी पार्टी पर हमला सीधा सवाल यह बॉम्ब ब्लास्ट कब हुआ था 2008 को अगर इनको लगता है कि समाजवादी पार्टी के साथ लिंक है और यहां तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी से इसलिए इसका लिंक ढूंढ निकाला क्योंकि साइकिल का इस्तेमाल किया गया था बॉम्ब ब्लास्ट के लिए तो अगर ऐसा है तो इस मुद्दे को 2012 के चुनावों में क्यों नहीं उठाया गया 2017 के चुनावों में क्यों नहीं उठाया गया 2019 के चुनावों में क्यों उठाया गया अब जाकर 2022 में से क्यों उठाया जा रहा है क्या कहते हैं इस मुद्दे पर जयंत सिंह चौधरी आपके स्क्रीन पर प्रधानमंत्री जी के भाषण से प्रतीत होता है भारी दबाव है कुछ ज्यादा ही बड़ी परेशानी है लेकिन आप सोचिए ऐसी बातें किसी ने पहले लिखी हैं स्वीकृति के बाद टेलीप्रॉम्प्टर पर चढ़ाई है और फिर मंच से बोली गई है यानी कि मुद्दा क्या है कि यह जो बयान दिया है प्रधानमंत्री ने ऐसे ही नहीं दे दिया है जिसमें उन्होंने साइकिल को आतंकवाद से जोड़ दिया है सोच समझ कर यह बयान दिया गया है मगर मैं कुछ और सवाल पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव पर हमला करना आपका पूरा अधिकार है आप उनके परिवार पर भी हमला कर रहे हैं आप तमाम लक्ष्मण रेखाओं को पार करें मगर साइकिल को जोड़ देना आतंकवाद के साथ तो फिर आप मोटरसाइकिल के बारे में क्या कहेंगे स्कूटर के बारे में क्या कहेंगे यह खबर देखिए आपने तो एक ऐसे व्यक्ति से चुनाव लड़वा दिया जो आतंकवाद की घटना में अभी भी आरोपी हैं खबर आपके सामने कि साध्वी प्रज्ञा की मोटर बाइक का इस्तेमाल किया एक ब्लास्ट में जिसमें छह लोग मारे गए और यह बात सामने आई थी एटीएस की जांच में कि जो इस मामले में सह आरोपी थी उनके साथ जो उनकी बातचीत हुई थी और यहां पर साध्वी प्रज्ञा की बाइक का इस्तेमाल कथित तौर पर हुआ तो जब आप साइकिल को आतंकवाद से इस्तेमाल कर रहे हैं या उससे जोड़ रहे हैं तो फिर मोटर बाइक के बारे में आपका क्या कहना है प्रधानमंत्री और आपने तो साध्वी प्रज्ञा जो अभी भी मामले में आरोपी हैं उन्हें तो आपने सांसद बना दिया और सांसद बनने से पहले और बनने के बाद वो लगातार गांधी का अपमान कर रही हैं शहीद हेमंत करकरे मुंबई ब्लास्ट के शहीद मुंबई आतंकवादी हमले के शहीद हेमंत करकरे का अपमान कर रही थी और आपने खुद प्रधानमंत्री एक इंटरव्यू में कहा था कि आप दिल से माफ नहीं कर पाएंगे सांसद प्रज्ञा को तो जब आप आतंकवाद के ऊपर समाजवादी पार्टी पर हमला करते हैं ना तो यह बात हजम नहीं होती है क्योंकि यहां पर भाजपा के दोहरे मापदंड साफ तौर पर दिखाई देते हैं और उत्तर प्रदेश चुनावों में जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी समाज में किस कदर जहर फैला रही है यह ट्वीट उसकी एक मिसाल है एक ऐसा ट्वीट जिसे ट्विटर को हटाना पड़ा और यह क्या कह रहा है ये कह रहा है सत्यमेव जयते और जो लोग आतंकवाद फैलाते हैं उन पर कोई रहम नहीं मगर इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि फांसी के फंदे पर मुसलमानों को लटका दिखाया गया है भारतीय जनता पार्टी भूल गई कि उन्होंने आतंकवाद की एक आरोपी को संसद में भेजा था वो भी भोपाल के रास्ते यानी कि चुनाव में जीतना है तो हर कीमत पे जीतना है चाहे उसके लिए समाज का ताना बाना ही क्यों ना बिगड़ जाए मगर दूसरी तरफ अखिलेश यादव की चुनौती बहुत ज़्यादा कठिन है दोस्तों। इसलिए कठिन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब तमाम हदों को पार कर रही है और हदों को पार करने का अर्थ यह है जिस तरह से वो लोग आतंकवाद के मुद्दे को उठा रहे हैं तो अखिलेश यादव अपनी तमाम जगहों पर अपनी तमाम रैली में सामाजिक ताने बाने को संजोने की बात कर रहे हैं मसलन उन्होंने अपनी एक रैली में कहा कि सामाजिक ताना बाना बना रहना चाहिए और एक तरह से उन्होंने एकता का संदेश दिया सुनिए वो जगह है जहां पर मिली जुली संस्कृति का एक परिचय मिलता है ये वो जगह है जहां भाईचारा का भी एक संदेश जाता है ये फैजाबाद और हमारा इस जिले से समाजवादियों का बहुत पुराना रिश्ता रहा है यहां पर न केवल लोग आपस में मिले जुले हैं बल्कि समय समय पर एक दूसरे का सम्मान कर करके एक दूसरे के इज्जत करते हुए और हमेशा मिले मिलजुल करके रहकर के, रह कर के और हमने आपने सबने जो भारत का हमारी पहचान है कि सब धर्मों के एक साथ लोग रहकर के भी हमारा जो ताना माना है हम सब मिलकर के रह कर के एक संदेश देने का काम करते हैं मैं आज अपने दर्शकों से जानना चाहता हूं एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तमाम हदों को पार करके साइकिल को आतंकवाद से जोड़ रही है अखिलेश यादव के परिवार पर हमला कर रही है और दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो हैं, वो सांप्रदायिक ताने बाने को संजोने की बात कर रहे हैं मैं इस बात को लेकर काफी उत्सुक हूं कि जनता किसकी बात को समझेगी किसकी बात को सुनेगी अखिलेश यादव तो यह बात भी कह रहे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की डिक्शनरी में भी नहीं है अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं कि यह इस देश की खूबसूरती है कि अलग अलग धर्म के लोग एक साथ रह रहे हैं इतने अरसे से रह रहे हैं और इसी इसी को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है सुनिए वो क्या कह रहे हैं मैं ये कह सकता हूं धरती पर कहीं कोई देश ऐसा नहीं होगा जहां पर इतने धर्म के इतनी जाति के लोग एक साथ रह रहे हों ये हमारा देश का सौभाग्य है जहां हर धर्म के लोग एक साथ रह रहे हैं हर जाति के लोग एक साथ रह रहे हैं और यही हमारी खूबसूरती है इतने सालों से हम मिलकर के एक दूसरे के त्योहारों को मनाते हैं एक दूसरे के त्योहारों पर हम एक दूसरे से गले मिलते हैं यही हमारे समाज की मिठास है मुझे लगता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा दोस्तों वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट जो है वो बढ़ने वाली है मुझे लगता है उनके तेवर उग्र होंगे क्योंकि पहले तीन चरण के मतदान बीजेपी के लिए उतने अच्छे नहीं हुए हैं जैसा वो उम्मीद कर रहे थे और जैसे कि मैंने अपने एक अन्य कार्यक्रम में बताया कि भाजपा के अपने जो समर्थक विशेषज्ञ हैं इनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो खुद कह रहे हैं कि पहले तीन चरण के मतदान अच्छे नहीं हुए इसलिए अब भाजपा समर्थक को इकट्ठा न होना पड़ेगा एक होना पड़ेगा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और भाजपा को बचाने के लिए मगर जैसे कि मैंने कहा ना वोट्स हासिल करने के और भी बेहतर तरीके हो सकते हैं न्यूज चक्र में बस इतना ही अभिस्तार शर्मा को दीजिए इजाजत नमस्कार